Hey दोस्तों, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम तोड़ के उसके छोटे टुकड़े बना सकते हैं। उन छोटे टुकड़ों को हम और भी ज्यादा तोड़ के उससे भी ज्यादा छोटे टुकड़े बना सकते हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि एक ऐसी लिमिट तो आनी चाहिए जिसके बाद उसको और भी ज्यादा तोड़ा ना जा सके? तो ऐसा एक इंडिविजिबल सा पोर्शन जिसको हम फर्दर नहीं तोड़ सकते, वही एटम है, ऐसा हमने सबसे पहले माना। लेकिन ये एटम का कॉन्सेप्ट दोस्तों तब जाके टूट गया जब हमने उसमें से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल बाहर आते हुए मिले। इस तरह के एटॉमिक मॉडल को समझाने के लिए सबसे पहले थॉमसन ने अपना मॉडल दिया। थॉमसन ने अपने मॉडल में एटम को एक तरबूज या फिर तो वाटरमेलन की तरह कंसिडर किया। हम जानते हैं वाटरमेलन बाहर से गोल और ग्रीन होता है, लेकिन अंदर से उसके अंदर रेड पल्प होता है और ब्लैक सीड्स होते हैं। अपने एटॉमिक मॉडल को वाटरमेलन के साथ कंपेयर करते हुए थॉमसन ने ये कहा कि ये जो रेड कलर का पल्प है वो पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है और ये जो ब्लैक कलर के सीड्स है वो इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस तरह से थॉमसन ने दोनों चीजों को कंपेयर करके अपना मॉडल बना दिया। लेकिन इस चीज को वेरीफाई करने के लिए रुदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया और उसने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया जाता है जिसके अंदर से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल बाहर आ रहे होते हैं। इन सारे अल्फा पार्टिकल्स को एक गोल्ड फॉइल के ऊपर डाला जाता है। हम जानते हैं कि ये पार्टिकल जब गोल्ड फॉइल पे गिरेंगे तो उनका स्कैटरिंग होगा और वो अलग-अलग डायरेक्शन में डेविएट हो जाएंगे। ये कितने डेविएट होते हैं ये मेजर करने के लिए ही हम पीछे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन रखते हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है कि डेविएशन किस एंगल से हो रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट को करके रुदरफोर्ड को क्या पता चला, चलिए अब हम वो देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमने गोल्ड की जो फॉइल यूज की होती है वो बहुत ही छोटी या फिर तो पतली होती है। इसकी वजह से हम ये मानते हैं कि गोल्ड के एटम्स की एक ही लेयर वहां पे रही होगी। अब यहाँ पे जब कोई अल्फा पार्टिकल आता है तो कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्शन फेस करते हैं, यानी कि उनका थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन होता है। दूसरे कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल होते हैं जो कुछ भी डिफ्लेक्शन फेस नहीं करते। और दोस्तों, ऐसे डिफ्लेक्शन नहीं फेस करने वाले अल्फा पार्टिकल का जो नंबर होता है वो ज्यादा होता है। और तीसरी कैटेगरी आती है जो बहुत ही कम पाई जाती है, लेकिन जहां पे अल्फा पार्टिकल का पाथ जो है वो पूरा रिवर्स ही हो जाता है, जिसको हम हेडन कोलिजन बोलते हैं। तो दोस्तों, इन तीन ऑब्जर्वेशन के ऊपर से रुदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाला या फिर तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो टोटली उनका पाथ रिवर्स हो जाता है। ये तभी पॉसिबल है जब कहीं सेंटर में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड हो जो बहुत ज्यादा रिपल्जन क्रिएट करे। इसलिए रुदरफोर्ड ने कहा कि एटम के अंदर सेंटर में पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है और क्योंकि डिफ्लेक्शन ना फेस करने वाले अल्फा पार्टिकल का जो नंबर है वो बहुत ही ज्यादा था, इसलिए रुदरफोर्ड ने कहा कि एटम्स जो है वो अंदर से मोस्टली खाली होने चाहिए, जो दोस्तों सही भी है। और तीसरा असम्पशन ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उस न्यूक्लियर के आसपास गोल गोल घूम रहे हैं। तो इस तरह से रुदरफोर्ड का दिया गया एटॉमिक मॉडल कुछ इस तरह से है, जहां पे कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं वो सेंटर में है, इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर न्यूक्लियस के आसपास घूम रहे होते हैं। रुदरफोर्ड के मॉडल के भी कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन कुछ इस तरह से है कि रुदरफोर्ड का मॉडल एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई भी चीज गोल घूमती है तो वहां पे कुछ कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो रेडिएशन को एमिट करेगा, उसकी वजह से उसकी एनर्जी कम होगी और इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पाइरल ऑर्बिट के अंदर न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स कर जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए? इस एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए बोहर ने अपना मॉडल दिया। बोहर ने क्वांटम मैकेनिक्स का भी यूज किया क्योंकि अब वो भी इजाद हो चुकी थी। दोस्तों, हम जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह कंसीडर किया जाता है और इसी वेव नेचर का यूज बोहर ने किया।
बोर ने यह कहा कि किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम नहीं सकता, लेकिन वो ऐसे ही ऑर्बिट में घूमेगा जो ये इक्वेशन फॉलो करेगी। किसी भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसका रेडियस जो है वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होगा, मतलब कि n लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई r। इस कंडीशन के अंदर दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेडी वेव फॉर्म करता है एटम के आसपास। ये स्टेडी वेव जो होती है वो एनर्जी कंजर्व करती है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो रेडिएशन एमिट नहीं करता और हमें एक स्टेडी ऑर्बिट मिल जाती है। तो इस तरह से बोर ने वेव नेचर का यूज करके हमें ऑर्बिट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दी और हमें एक बहुत ही अच्छा एटॉमिक मॉडल मिला जो बहुत हद तक सही है। दोस्तों हाल सबसे एडवांस में हम एटम को या फिर तो हाइड्रोजन एटम को समझने के लिए बेसल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इस बेसल इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं दोस्तों वही हमें इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं।